नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया और आप देख रहे हैं युग वाइन टाइम्स। आज हम दिल्ली के लाल किला पर मौजूद है, जहां पर लव कुश रामलीला की रिहर्सल चल रही है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके की रिहर्सल यहां पर तैयार। कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को किस तरीके की रिहर्सल यहां पर चल रही है। कल से रामलीला का मंचन किया जाएगा और हम आपको बता दें कि इस बार दिल्ली में जो परमिशन मिली है वो लास्ट मूवमेंट पे मिली है और काफ़ी चीज़ों को सावधानी से बरता जाएगा यहाँ पर। और हम आपको अब दिखाएंगे भी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल जी, किस प्रकार की तैयारियाँ हैं लव कुश रामलीला के लिए। मुझे लगता है कि ये अशोक जी की कड़ी मेहनत का नतीजा है, नहीं तो मुझे नामुमकिन सा लग रहा था कि 5 दिन पहले उन्हें परमिशन मिली और आज आपके सामने इतना बड़ा स्टेज उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। ये अपने आप में एक काबिले तारीफ बात है जो हम आपके सामने आज इस रामलीला के मंच के पास बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद है राम जी का कि एक बार फिर से हम इस साल जोरों शोरों से आपके सामने रामलीला लेकर आ रहे हैं। नहीं, रामलीला की तैयारी तो हम लोग पूरे साल भर से ही कर रहे थे और इस साल जितनी रामलीलाएँ आज तक हुई है उन सबसे बहुत बेहतर रामलीला होने वाली है। और हमने जितनी चीज़ें यहाँ रामलीला के अंदर आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो अब तक की इतिहास की सबसे अद्भुत, खूबसूरत और बहुत अच्छी रामलीला देखने को मिलेगी। इस साल रामलीला के अंदर 50 नए गाने जो कि पिछले एक साल में बनाए गए हैं वो सम्मिलित होंगे। इस रामलीला के अंदर नया स्क्रीन प्ले लिखा गया है। इस रामलीला के अंदर जो सेट्स हैं वो 50 से अधिक सेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रामलीला जितनी अभी तक करी है लव कुश ने भी, उन सबसे 2 स्टेप आगे की रामलीला इस साल होने वाली है। दर्शकों को रामलीला से कोई मायूसी नहीं होने वाली है। दर्शकों से सबसे हम लोगों का हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सारे चैनल्स वगैरह पे हम लोग रामलीला को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह पे सब जगह है, चैनलों पे है। लोग अपने घर से रामलीला का आनंद लें, उनको बहुत अच्छी रामलीला देखने को मिलेगी क्योंकि कोरोना के चक्कर में सरकार ने बहुत लिमिटेड ऑडियंस को यहाँ पर अलाउ करने वाली है और बहुत कम दर्शक मैदान में आ पाएंगे, तो हम सब लोगों को एकोमोडेट करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए हमने उसको विस्तार के तौर पे जितने धार्मिक चैनल हैं, जितने टाटा स्काई से लेके और जितने ये 12 के 12 हैथवे वगैरह हैं उन सब पे रामलीला उपलब्ध रहेगी। उसके अलावा कुछ और चैनल्स के ऊपर भी लाइव जाएगी और जो न्यूज़ चैनल भी यहाँ से कवर करना जाए उसके लिए वो भी वैन हम अपनी लगा रहे हैं, वो भी अपने चैनलों के ऊपर अलग अलग टाइम पे इसको लाइव दर्शकों को दिखा सकते हैं। तो रामलीला दर्शक अपने घर से बैठ के देखेंगे तो उनको ज़्यादा आनंद आएगा। जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, अलग अलग गाँव के जो चौपाल हैं उन सबसे आग्रह है हमारा कि वो अपने गांव में, अपनी यहाँ रामलीला नहीं उनको मंचन की अनुमति मिल रही, वहाँ एक बड़ी LED लगाएं और उसके ऊपर लव कुश रामलीला का सीधा प्रसारण करें। उसके लिए कोई शुल्क, कोई किसी तरह के पैसे किसी से लव कुश रामलीला चार्ज नहीं करेगी, फ्री फॉर ऑल है, कोई भी उसको अपने यहाँ किसी भी माध्यम से दिखा सकता है। अशोक जी, रामलीला को लेकर सरकार और रामलीला आयोजकों के बीच में बड़ी लोरा कुश्ती हुई है कोविड को लेकर, कोविड की क्या यहाँ व्यवस्था है, किस तरह से रामलीला लव कुश रामलीला कोविड को लेकर? रामलीला के अंदर सब लोगों को जो मास्क लगाएंगे उन्हीं को अलाउ है, उसके अलावा डबल वैक्सीन वाले लोगों को ही अलाउ किया है। हमारे आर्टिस्टों ने भी सबने डबल वैक्सीन लगाई हुई है और डबल वैक्सीन जब लग जाती है तो कोविड से कम जो मृत्यु वाला किस्सा है वो नहीं होता। खाली अगर 99% में तो बुखार जुखाम भी नहीं होता, अगर किसी को बुखार जुखाम भी होगा तो वो आम वायरल की तरह ही है। और लेकिन हमने कोशिश यह करी है कि यहाँ आने वाले लोग जो हैं वो डबल वैक्सीनेटेड हों और उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए। कार्ड पे भी लिखा है कि वही लोग यहाँ आमंत्रित हैं जिनको कि बुखार को, उसको चाट पकौड़ी को जो एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठने वाले ऑफिसर्स हैं वो उसको किस भाव से लेते हैं ये अलग बात है, लेकिन वो चाट पकौड़ी और खाना ये सब शरीर की ज़रूरत है। 6 घंटे आदमी आके बैठेगा, रामलीला देखेगा तो भूखा रहेगा, ये बात थोड़ी कम समझ में आती है। जबकि फ्लाइट्स वगैरह के अंदर भी
दो घंटे की ट्रैवलिंग में सरकार खाना भी देती है, पानी भी देती है, और अगर कोई फ्लाइट खाना अवेलेबल नहीं कराती तो उनको कहते हैं कि आप चाहे पेट खाना दो, इनको खाने का इंतज़ाम हर जगह होता है। सरकार ने ये जो काम किया है अफसरशाही ने मिलके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको खाने के लिए वो जो है, जो लोग आने वाले थे रामलीला में, उनके लिए उनका स्टॉल वगैरह के पर पाबंदी लगाना उचित नहीं था। तो रामलीलाओं की अनुमति में इतना विलम्ब हो, इतना देर हो और इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ रामलीलाओं को करने का मौका दिया जाए, जबकि दिल्ली में एलजी भारत सरकार का हो। देखिए, अलका जी ने पिछली बार भी किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने किया था, और इस बार भी उन्होंने कहा है, अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं इस बार भी अपना किरदार निभाऊंगी। अब एक अलग चीज़ है कि कौन से एपिसोड में कहाँ किस वक्त कौन सा किरदार देना है, वो अभी डिसाइड है।